टाटा कंपनी की साज उसके कुल संपत्ति के बारे में जानकर होश उड़ जाएंगे आपके। जी हाँ, टाटा कंपनी जो आज 30 कंपनियों का एक ग्रुप है जिसका मार्केट वैल्यू सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे देश के आन बान शान टाटा कंपनी के बारे में, जिसका नाम आज दुनिया के हर कोने में छाया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट कीजिए। टाटा हमारे देश की बहुत ही बड़ी और फेमस मल्टीनेशनल कंपनी है, जो कि आज दुनिया की 100 से भी अधिक देशों में फैली हुई है। आज भारत की जीडीपी में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा टाटा कंपनी से भी आता है। इस कंपनी की शुरुआत सन 1868 में जमशेद जी टाटा ने केवल 21,000 रुपयों के साथ की थी और आज इस कंपनी की स्थापना को 154 साल बीत चुके हैं और आज ये कंपनी 30 अलग अलग कंपनियों का एक ज्वाइंट वेंचर बन चुका है। अगर ये सभी कंपनियों के ज्वाइंट मार्केट कैप की बात की जाए तो इस कंपनियों के ज्वाइंट मार्केट कैप लगभग 23 करोड़ के आसपास है और ये कंपनी में 9 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं टाटा की सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली कंपनियों के बारे में। अगर बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन का तो टाटा की सबसे बड़ी कंपनी है TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और आज के इस समय में इसका मार्केट कैप 12 करोड़ के आसपास है। ये कंपनियां IT सेक्टर के जानी मानी कंपनियां हैं, जो दुनिया भर में एक सेंचुरी के बाद ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है। इसका कारोबार 46 देशों में फैला हुआ है और इस अकेली कंपनी में 6 लाख से अधिक लोग काम करते हैं। पिछले साल TCS की कुल कमाई $5 मिलियन के आसपास थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी सूचना तकनीक और बिजनेस प्रोसेस की सेवा प्रदान करती है। TCS आज दुनिया में कई बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करती है। भारत में भी कई सरकारी और गैर सरकारी प्रोजेक्ट इसके अंडर में चल रहे हैं। इनमें से एक है इंडियन पासपोर्ट सिस्टम। आपको याद होगा कुछ साल पहले तक पासपोर्ट बनाना इतना मुश्किल था कि कई महीने तक धक्के खा के भी पासपोर्ट नहीं बन पाता था, लेकिन बाद में TCS ने इसका काम अपने हाथों में ले लिया और इसके डिजिटलाइजेशन के बाद आज आपको पासपोर्ट के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। आप घर पर ही रहकर ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये प्रोसेस काफी आसान हो गई है। और अब बात करते हैं टाटा ग्रुप्स की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी यानी टाटा मोटर्स की। आज सड़क पर दौड़ती हर वह दूसरी गाड़ी आपको टाटा कंपनी की ही दिखाई देगी। टाटा कंपनी ट्रक से लेकर हर तरह की गाड़ियां बनाती है। इस कंपनी की शुरुआत सन 1945 ईस्वी में की गई थी और आज ये कंपनी 125 से भी अधिक देशों में जाना माना बन चुकी है। इस कंपनी में लगभग 18,000 से भी अधिक वर्कर्स काम करते हैं। टाटा मोटर्स आज $34 बिलियन से ज्यादा की कंपनी है। टाटा मोटर्स ने 2 जून 2008 में फोर्ड से दो लग्जरी कार ब्रांड जैगवर और लैंड रोवर खरीदकर लग्जरी कार सेगमेंट में अपने कदम और मजबूत कर लिए। और अब बात करते हैं टाटा की दूसरी सबसे बड़ी कंपनियों के बारे में। इस कंपनियों में सबसे पहले नाम आता है टाटा स्टील का। इसके पहले इसे टेस्को के नाम से भी जाना जाता था। इसकी स्थापना सन 1907 में भारत के पहले लोह इस्पात कारखाने के तौर पर जमशेदपुर में की गई थी और इस जगह को टाटा सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जनवरी 2007 का महीना टाटा ग्रुप के लिए काफी खास था। इस साल टाटा स्टील ने यूनाइटेड किंगडम में स्थित कोरस ग्रुप की सफलता बोरी लगाकर उससे निर्णय हासिल किया। कोरस ग्रुप दुनिया का सबसे बड़ा लोहा इस्पात निर्माण कंपनी है। टाटा की एक और बड़ी कंपनी है जिसका नाम है टाइटन। जी हाँ, वही कंपनी जिसकी गाड़ियाँ आज भी शादी में दुल्हा दुल्हन को दिया जाने वाला पहला गिफ्ट होती है। ये कंपनियाँ घड़ियों के साथ साथ कई दूसरे प्रोजेक्ट भी बना रही है। इस समय टाटा की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में से यह दूसरे नंबर पर आती है। अब बात करते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की। इस कंपनी के अंतर्गत टाटा की कई प्रोडक्ट बनती है। इनमें से कुछ खास जैसे टाटा का नमक, टाटा की चाय, टाटा स्टार ब्लैक कॉफी। तो दोस्तों, जब बात टाटा की हो तो ताज होटल का नाम तो आना बनता ही है और इसके अलावा टाटा के पास कई लग्जरी होटल भी है। इस तरह टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी इसका नाम आता है। जब बात ट्रैवल की आए तो वहाँ पर भी टाटा की ही नाम आती है। एयर एशिया, विस्ट्रा और अब तो एयर इंडिया भी टाटा के पास आ गई है। वैसे आपके जानकारी लिए बता दूं कि टाटा एयरलाइंस की शुरुआत सन 1932 में हुई थी। सन 1946 में बदलकर इसका नाम एयर इंडिया कर दिया गया। उसके बाद सन 1954 में सरकार ने टाटा से एयर इंडिया को खरीद कर उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, लेकिन 77 सालों के बाद एयर इंडिया पर संकट के बादल छाया तो टाटा ने इसे वापस खरीद लिया। और अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर भी टाटा का काफी नाम चलता है। टाटा ने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है, जैसे टाटा हाउसिंग, टाटा रियल्टी जैसे कई बड़ी कंपनियां आज इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में काफी अच्छा काम कर रही है। टाटा पावर ने आज दुनिया के कई देशों में अपना पावर प्लांट बनाए हुए हैं। इनमें से एक है दक्षिण अफ्रीका के जाबिया में
120 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट बनाना। टाटा ने केवल यहाँ पावर प्लांट ही नहीं बनाए हैं, बल्कि 237 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन भी बिछाए हैं। इससे देश के 10 लाख से भी अधिक लोगों को बिजली मिल पाती है। इसके साथ ही टाटा ने अपनी नई ऐप टाटा न्यू भी लॉन्च कर दी है। इससे टाटा के सभी सर्विसेज आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है। अगर बात एजुकेशन सेक्टर की हो तो इसके लिए तो केवल टाटा मेगरा का नाम ही काफी है। इसके साथ ही आपके सरकारी संस्थानों की शुरुआत टाटा के द्वारा ही की जाती है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन सभी के अलावा टाटा के पास टाटा फाइनेंस, टाटा एरोस्पेस, डिफेंस, टेलीकॉम और इन्वेस्टमेंट जैसी में भी टाटा अपना हाथ जमाए हुए है। इन सभी कंपनियों से टाटा को साल 2021 में $128 बिलियन की कमाई हुई है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि देश की इतनी बड़ी होने के बावजूद भी इस कमाई का 60% से ज्यादा हिस्सा दूसरे देशों से आता है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि टाटा के सभी बड़ी कंपनियां ज्यादातर बिजनेस दूसरे देशों से ही करती है। तो दोस्तों, टाटा आज पूरी दुनिया में अपना धाक जमा चुकी है और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो है रतन टाटा। रतन टाटा ने केवल 9 साल में दुनिया के 36 बड़ी बड़ी कंपनियों को एक्वायर कर लिया था और ऐसा करके उन्होंने साबित कर दिया कि भारत की कंपनियां भी किसी भी देश कंपनियों से कम नहीं है। रतन टाटा पिछले 50 वर्षों से टाटा समूह से जुड़े हुए हैं। 21 साल तक टाटा कंपनी के अध्यक्ष रहे हैं और 28 दिसंबर 2012 को उन्होंने ये जिम्मेदारी सारस मिस्त्री को सौंप दी थी। तो दोस्तों, टाटा कंपनी हमेशा से हमारे देश की शान रही है और इसलिए हमेशा से रतन टाटा को भारत रत्न देने की बात चलती रहती है। इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। जितना हो सके इसे शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।